बार टॉपिक देख लेते हैं, आप फैमिलियर होंगे इससे, अभी हमने लोगों ने अपलोड किया था, तो हम लोग दोबारा से इस टॉपिक नहीं बना रहे हैं कि दोबारा फिर से वही, वो क्योंकि बन चुका है। हम लोग उसके अबाउट डिस्कशन चाहते हैं, उसके अबाउट एक इन्फॉर्मेशन जिसको बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सीधी सी ये है कि जब ये टॉपिक बनाया था तो टॉपिक का कंटेंट हम बताते थे कि है क्या एग्जैक्टली, कोई नया अगर स्टूडेंट देख रहा है तो वो समझे कि है क्या एग्जैक्टली। तो आर यू अनसेटिस्फाइड विद द स्टडी लाइक, तो हमने ये टॉपिक बनाया था तो हमने वहाँ पे रखा था कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल कैसे है, उसको हम लोग मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने छोटी छोटी बातें लिखी हैं, कुछ लोगों के तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी हंसी आती है उनको सुनकर, बट मैं उनको भी परफेक्ट करूँगा। काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे दो दो पेज के भेजे हैं। तो बच्चा ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे यार मैंने भेज दिया सर ने पढ़ा नहीं, पढ़ा है, बट अब हम आपसे चाहते हैं कि आप एक कॉमन सोल्यूशन चाहते हैं, या आप पर्सनली जैसे व्हाट्सएप पर आपने सेंड किया तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पर एडवाइस करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है कि उस दिन से अभी तक भेज रहे हैं, आज भी मेरे पास आए, कल भी आए, पहले और उससे पहले आए। तो भाई अगर, या मेरे बच्चों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला वीडियो जैसे ही लगे, आप सोच रहे हैं, स्टिल यू आर थिंकिंग, तो आप भेज दीजिए जिससे कि कॉमन सा सोल्यूशन निकल के आए। बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज़ मुझे समझ में आए हैं, जैसे एक बच्चे ने डिस्कस किया कि सर अगर आप कॉमन टॉपिक अगर लेंगे तो जैसे बी सी ए फर्स्ट ईयर में है, बीएससी में स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है, कोई पास आउट हो चुका है, कोई जॉब में जा रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कुछ कोचिंग भी कर रहे हैं, तो उनकी अलग अलग सिचुएशंस है। तो एक पूरा कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबके कंक्लूजन पहले, सबके एक फीडबैक हमारे पास आ जाएँ, उनमें से कुछ चीज़ें हमें कॉमन सी समझ में आएंगी। भाई खाना सारे लोग खाते हैं, नहाते सारे लोग हैं, तो ये सबके साथ होगा, ये सबके साथ होने वाला है, मगर जो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है तब पढ़ाई कर रहा है, कोई बीसीए में रेगुलर कॉलेज जा रहा है तब पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी एक अलग अलग प्रॉब्लम है। तो एक कॉमन सा हम लोग अलग अलग या तो सेगमेंट कर देंगे, या एक ही वीडियो ऐसा बनाएंगे, या फिर पर्सनली आपको ट्रेन करेंगे। तो जैसा भी आपको लगता है, जिस तरीके से भी आपको लग रहा है, यहाँ पर बच्चों कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इस वीडियो को बना के आप अपनी चीज़ों को शेयर करें हमारे तक। कोई भी बात अगर आप शेयर करते हैं, मुझे बता था, मुझे एहसास है कि मैं अपनी बात को मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, बहुत ज़्यादा, मैं उस पे ही, उसी को मैं अपनी बात बताता हूँ। अगर आपने मुझे इस लायक समझा है, अगर आपने अपनी बात को शेयर किया है, तो मैं बिल्कुल भी लाइक, ऐसा कोई मजाक का टर्म नहीं था, मैंने बोला दो पेज, हो सकता कि बहुत सारे पेज हो। बहुत सारे लोग अभी भी हेसिटेट कर रहे हो, जिनको लग रहा हो कि यार सर कैसा लगेगा, मगर आपको लगता है कि मैं, आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल को बता सकते हैं, तो ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मुझे एहसास है, एज ए टीचर मुझे एहसास है, एज ए पर्सन परेशान आप हैं तो मुझे उन परेशानियों का अंदाज़ा है, और मैं चाहता हूँ कि एक परफेक्ट सोल्यूशन मिले, क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, मैंने जो बता दिया और सही से प्रॉपर अगर एनालिसिस नहीं करी या कर पाई, और फिर आपको बताया और आपने उसको फॉलो किया एक फेथ लेके, तो बच्चा थोड़ा सा वेट करिए, सारे लोग थोड़ा वेट करिए, और जो भी देना चाहते हैं वो हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्विक सोच के आप दीजिए, भेजिए, फिर हम लोग प्रॉपरली, रोज़ मैं थिंक, जब भी मैं देखता हूँ व्हाट्सअप खोलता हूँ तो उन सारे फीडबैक को मैं एक एक करके देख रहा हूँ, और रियल में मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपको परफेक्ट प्लान मिले कि आप कर पाएँ, वर्किंग में आ पाएँ। ऐसा ना हो कि मैं यार 18 घंटे बैलेंस कर दूँ, आपका सोने का भी टाइम नहीं है, ठीक है, आप उससे डिमोटिवेट हो जाएं, दोबारा फिर आप प्लान नहीं बनाएंगे, दोबारा फिर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिमोटिवेट और हो जाएंगे। तो वेट करिए, अमित कटियार एज ए मावला क्लासेस कोशिश करेगी एक परफेक्ट ऐसा जो वाकई में आपको हेल्प करेगा। मैं वहाँ आपके पास हूँ तो नहीं, बट मैं एकदम बिल्कुल एनालाइज करूँगा, अपने आप को रखूँगा कि कैसे कुछ आपको ऐसा सोल्यूशन दिया जाए कि आप वहाँ रहते हुए भी ऐसा लगे कि यार मैं आपको बार बार हर चीज़ों पर रिलाइज करा पा रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, भेजना है आपको, थैंक यू।